سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين ثم آمين تفسير سورة البقرة آية نمبر 228 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات सारी की सारी तलाक दी जाने वाली औरतें अल अलमत तलाक दी जाने वाली औरतें वो क्या करेंगी वो रोके रखेंगी अपने आप को तीन में माहवारी और उनके लिए ये जायज नहीं क्या बात जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क फरमाया है वो उसे छुपाए उन्हें किस ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखती हैं और उनके ताल्लुक कर लेने पर आमादा हो तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें अपनी जोजियत में वापस लेने के हकदार हैं सरा बकरा के इन रकुआत में अल्लाह सुबहाना ताला ने अब तलाक के हवाले से तरीका वजा फरमाया है सूरा बकरा के ये रकुआत और सूरा तलाक की आयात इस्लामी शरीयत के अंदर तलाक का तरीका वाज करते हैं आयात को पढ़ने और इनकी तफसीर समझने से पहले अगर बुनियादी तौर पर तलाक के हवाले से कुछ बात कर ली जाए तो इन आयत आयात को पढ़ना आसान हो जाएगा तलाक का रूटवर्ड है तो लाम ऑफ तलाका का मतलब है चला चला निकला गया रवाना हुआ तलाक कहते हैं चलाने को निकालने को रवाना करने को चलता बनाने को तलाक शराई इतलाह में शरा टर्मिनोलॉजी में तलाक उस अमन को अमल को कहते हैं जिसके होने या करने के बाद निकाह का ताल्लुक खत्म हो जाता है अकदे निकाह वो निकाह की गिरा जो है वो टूट जाती है और अकदे निकाह में बंधे हुए वो दो अजवाज एक दूसरे से अलग जुदा हो जाते हैं यही कदे निकाह को मनसूख करने खत्म करने और दोनों को उस निकाह की पाबंदी और गिरा से आजाद करने वाला अमल तलाक है तलाक शर्य तौर पर जायज और हलाल है लेकिन ये बात याद रखिएगा कि तमाम जायज तमाम जायज और हलाल चीजों में से सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज भी तलाक ही है इसकी इजाजत हिकमत के लिए दी तो गई है लेकिन इसको इंतहाई तौर पर नापसंदीदा करार दिया गया अल्लाह के हां ये अमल शदीद नापसंदीदा है मजबूरी के तहत इसकी लचक और झूठ इसलिए दी गई कि बसों का दो अजवाज अपने हालात अपने वाक़ अपने मिजाज या कुछ सिचुएशंस के अंदर उनके अंदर निभा मुमकिन ही नहीं और अगर उनको बांध के रख दिया जाएगा तो शायद एक बहुत बड़ा फितना या फसाद का इम्कान हो बहुत बड़े बिगाड़ का इतमान हो जिसको अलग नहीं किया जा सकता उसको रवाना नहीं किया जा सकता उनको एक दूसरे से हटाया नहीं जा सकता तो न मुमकिन है कि कत्ल और जहर और पता नहीं किस चीज़ तक मामला पहुंचे या फितना फसाद और बिगाड़ या नुकसान कामकान बहुत ज्यादा बढ़ने का इम्कान कुछ, कुछ अधिक का तस्वर मौजूद नहीं और वह बिगाड़ माशरे के अंदर खुद नजर आता है तो हमारा दिन एक मतदिल दिन है एक दरमियना दिन है बैलेंस एहकाम वाले दिन के अंदर इसकी इजाजत तो दे दी गई इसकी छूट दे दी गई इसको जायज और इसको हलाल तो करार दे दिया गया मजबूरी और कराहत की हालात के अंदर लेकिन इसको पसंद नहीं किया गया हदीस के अल्फाज मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया शादियां करो तलाक के ना दो शादियां करो तलाकें ना दो मजे चखने वालों और मजे चखने वालियों को अल्लाह पसंद नहीं करता गो कसरत से तलाकें देकर एक से दूसरे की तरफ लजत और लुत्फ के लिए मुंतकिल होना यह एक नापसंदीदा अमल है इसी तरह हदीस के अल्फाज आते हैं हर तालिब लजत हर तालिब लजत बकसरत तलाक देने वाले पर अल्लाह की लानत है तो लिहाजा यह नेहा नापसंदीदा अमल है तलाक के हवाले से कुछ अमूमी सी और जनरल सी बातें और फिर उसके बाद तलाक का बाकायदा शरीयत के मुताबिक तरीका क्या है तलाक के हवाले से ये जान लीजिए कि तलाक निकाह के बाद ही दी जा सकती है निकाह से पहले ये कह देना कि मैं निकाह के बाद तलाक दूंगा ये तलाक का तस्वर नहीं है हदीस के अल्फाज मौजूद है ला तलाक काबले निकाह तलाक निकाह से पहले नहीं है इस हवाले से दूसरी बात के तलाक देना शोहर ही का हक और इख्तियार है जब अकद निकाह बनती है तो उस अक्त उस निकाह की अक्त और गिरा शोहर के हाथ में है और यह तलाक देने का हक और मजाज और इख्तियार शोहर ही के पास है ये तलाक का हक वो अपनी मर्जी और आजादी राय से इस्तेमाल करने पर मुख्तार है और इख्तियार रखता है और मजीद ये अख्तियार जबरन उससे मनवाया या उससे इस्तेमाल करवाना शरीयत का तस्वर नहीं है कोई रिश्तेदार कोई वालदेन कोई कोर्ट कोई काजी जबरन शोहर को ये हक इस्तेमाल करने की तरफ जबर का तरीका इख्तियार नहीं किया जा सकता ये सिर्फ और सिर्फ शोहर का अपना ज़ाती इख्तियार है आगे चल के अभी बात होती है कि ये इख्तियार अलबत् बीवी को मुंतकिल हो सकता है लेकिन ये बुनियादी तौर पर शोहर का हक है और जबरन इसको इस्तेमाल करवाना शरीयत का तरीका नहीं तलाक इशारे और कनाए के अल्फाज में भी दे जा सकती अगर डायरेक्ट अल्फाज ना भी हों लेकिन ऐसे अल्फाज हो जिनकी गरज जिनका मकसूद और जिनकी नीयत और इरादा तलाक का हो तो भी अक्सरियत की राय में यह तलाक होगी सतायशाह की रवायत से एक वाक्य आता है आते तय बात फरमाती है कि जून नामी एक शख्स की बेटी रसूल अलैहि वसल्लम के निकाह में दी गई निकाह के बाद उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया जब आप करीब हुए तो उस खातून ने उस औरत ने यह कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उस अजीम जात की पनाह मांगी है लिहाजा तू अपने घर वालों के पास चली जा ये डायरेक्ट अल्फाज नहीं थे लेकिन इसे मकसद इससे मकसूद और इससे कनाया तन इशारा तन तलाक ही का इरादा मौजूद था तो इसके बाद उस औरत के साथ तलाक का मामला हुआ और वो अपने घर वालों के पास चलेगी गोया इशारा तन कनाया तन इनडायरेक्ट अल्फाज में भी अगर उस नीयत उस इरादे उस गरज के साथ शौहर ये अल्फाज पुकारता है तो इन नमाल मालो बिनियत अमाल का दरों बुनियादी तौर पर नीयतों पर है इसी तरह हज़रतमर के दौर में एक वाक्य भी आता है कि एक शख्स वो इराक में था और इराक में उस शख्स ने हजरत उमर खलीफा थे और हजरत उमर को यह खबर पहुंची कि इराक में एक शख्स ने अपनी बीवी से यह कहा कि तेरी रस्सी तेरे कोहान पर है ऊँट की रस्सी ऊंट के कुहान पर होने का मतलब क्या होता है कि वो ऊंट आजाद है यानी उसके मालिक ने उसकी नकेल उसकी रस्सी छोड़ दी है और उसकी कुहान पर रख के उसको खुद मुख्तार कर दी है तेरी रस्सी तेरे कुहान पर ये उनका एक इशारे कनाए का तरीका था अजत उमर को जब उस शख्स के बारे में ये जुमला कहने का इम हुआ तो आपने हाकम इराक को कहा कि वो शख्स जब हज पर आएगा तो उसे कहना वो मुझसे मिले वो इराकी जब हज के लिए आया हजरत उमर को मिला उसने अपनी पहचान और शनाख्त करवाई कि मैं वही शख्स हूं जिससे आपने मिलने का हुक्म दिया था तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुझे काबा की कसम तुझे काबा की कसम के जब तूने ये अल्फाज कहे थे उस वक्त तेरे दिल में नीयत और इरादा क्या था तो इस इराकी शख्स ने कहा कि आपने मुझे इतनी बड़ी कसम दे दी अगर आपने मुझे इतनी बड़ी कसम ना दी होती तो मैं जरूर सच को छुपा लेता आपने मुझे इतनी बड़ी कसम दी अगर आपने मुझे इतनी बड़ी कसम ना दी होती तो मैं जरूर सच को छुपा लेता जिस वक्त मैंने ये अल्फाज कहे थे मेरी नीयत और मेरा इरादा तलाक का था तो इस पर हजरत उमर ने कहा जो तेरी नीयत थी फिर वो हो गया तो गोया इशारे कनाए नीयत अगर तलाक की हो और ये अल्फाज इशारे कनाए या इनडायरेक्ट अल्फाज में भी कह दिया जाए तो अक्सरियत की राय में यह मामला रोनुमा होगा अलबत्तः अगर दिल ही दिल में इरादा कर लिया जाए और जबान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारे कनाए के साथ किसी तरीके से ना पुकारा जाए सिर्फ दिल में इरादा किया जाए तो उससे तलाक रोनुमा नकी होगी इसी तरह मजीद ये भी देख लीजिए कि हंसी में मजाक में संजीदा या गैर संजीदा जिस तरीके से भी दी गई हंसी मजाक गुस्सा संजीदा गैर संजीदा जो भी अंदाज हुआ तलाक देते वक्त या कैफियत हुई तलाक देते वक्त तलाक रूनुमा हो जाएगी हजरत अब हर अन की रिवायत से तिरमजी शरीफ में हदीस आती है क्या आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बातें तीन बातें हंसी मजाक और संजीदगी में हो जाती है यानी तीन काम ऐसे हैं अगर उनको हंसी मजाक से करो या संजीदगी से करो जैसे भी करो वो हो जरूर जाती तीन बातें हंसी मजाक और संजीदगी में हो जाती हैं और ये तीन बातें क्या है निकाह तलाक और रुजू निकाह तलाक और रुजू सीरियसली दिया नॉन सीरियसली मजाक में किया संजीदगी में किया ये तीन काम जिस स्टेट ऑफ माइंड और जिस रवैये में भी किए ये हो जाएंगे इसी तरह शरीयत में मशरूत तरीके से मशरूत या मुअल्लक तलाक अगर दी जाए तो वो भी हो जाती है मशरूत तलाक उस हालत को कहते हैं कि शोहर अपनी बीवी के साथ किसी चीज की शर्त लगाए कि अगर फलां काम हुआ या फला फेल हुआ या तूने फलां चीज की तो तुझे तलाक है और वो वो काम कर डाले तो तलाक हो जाती है इसको मशरूत तलाक या मौलक तलाक कहा जाता है मसलन एक शौहर अपनी बीवी से कहे अगर तू घर से बाहर निकली तो तुझे तलाक और वो बीवी ये कहने सुनने के बावजूद घर से बाहर निकले तो फिर उसे तलाक हो जाती ये मशरूत या मुआल तलाक का तरीका है तलाक के लिए किसी को भड़काना या इसकी तरफ माइल करना या उभारना ये शदीद नापसंदीदा है हजरत अबू ताला अन की रवायत से अबू दाऊद में हदीस के अल्फाज हैं वो शख्स जो किसी औरत को उसके शहर के खिलाफ भड़काएगा वो शख्स जो किसी औरत को उसके शहर के खिलाफ भड़काएगा या उसके गुलाम को उसके मालिक के खिलाफ भड़काएगा लईसा मिनना वो हम में से नहीं है तो औरतों को बीवियों को शहरों के खिलाफ भड़काना तलाक या खुला लेने पर माइल करना या गुलामों को अपने मालिकों के खिलाफ भड़काना यह भड़काने वाला हदीस के अल्फाज है लई सा मिलना वो हम में से नहीं है अभी मैंने आपको पहले बताया कि तलाक बुनियादी तौर पर शौहर का हक है लेकिन वो ये हक बीवी को मुंतकिल कर सकता है शोहर अपनी बीवी को हक के तलाक दे सकता है इसको इस तलाक में तखीर कहा जाता है यानी खियारा खियारा का मतलब इख्तियार शोहर का बीवी को तलाक का इख्तियार दे देना उसको तलाक का मुख्तार बना देना ये हक के तलाक का शोहर से बीवी की तरफ मुंतकिल होना इसका तस्वर मौजूद है कुरान में अल्लाह ने तजवाज मुता को एक मौके पर रसोल सल्ह वसम के ज़रिए ये ऑप्शन दी गई थी कुरान की आयत वही नाजिल की गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलम को वही में कहा गया कि असवाज मुता को कह दें कि अगर वह आपके साथ रहना चाहती हैं या आपके अलावा दुनिया और दुनिया की जीनतें चाहती हैं तो इन दोनों में से पिक कर लें ये वही के जरिए नाजिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया रवायात में आता है कि इन आयात के नजूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला तहा के पास पहुंचे और हज़रत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर कहा कि आयशा देखो मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूं इसके जवाब में जल्दी ना करना और मेरा मशवरा है जवाब से पहले अपने वालदैन से मशवरा कर लेना जवाब में जल्दी ना करना और जवाब देने से पहले अपने वालदेन से मशवरा कर लेना और फिर आपने यह आयत सुनाई तो हजरत आयशा ने हजरत आयशा खुद फरमाती हैं कि मैंने फौरन कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल सल्लाम मैं आपके साथ रहने को दुनिया और आखरत तमाम चीजों के मुकाबले में दुनिया की सारी नेमतों और सहूलतों के मुकाबले में मैं आप सल्हली वसलम के साथ रहने को तरजीह देती हूँ हजदायशा फरमाती है कि हम सब अजवाज वसल्लम के साथ रहने को तरजीह दी और आप अपने इन अल्फाज को तलाक शुमार नहीं किया गोया जब शोहर अपनी बीवी को के तलाक मुंतकिल करता है तो ये उसकी तरफ से तलाक नहीं शुमार होती वो इख्तियार बीवी को मुंतकिल किया जाता है इस हालत में वो इख्तियार बीवी भी इस्तेमाल कर सकती है और वह शोहर भी इस्तेमाल कर सकता है ये इख्तियार का मुंतकिल करना हक के तलाक का बीवी को मुंतकिल करना याद रखिएगा कि आरजी भी हो सकता है और मुस्तकिल भी हो सकता है मुंतकिल करते वक्त शौहर कह सकता है कि अगले दो तीन महीनों के लिए दो सालों के लिए मैं तुम्हें हक देता हूं आरजी भी हो सकता है मुस्तकिल भी हो सकता है और यह भी याद रखिएगा शौहर क्योंकि यह बुनियादी तौर पर हक शौहर का है कि शौहर हक देने के बाद वापस ले भी सकता है अगर उसको बीवी के अंदर कोई इम्कान फितने का फसाद का किसी किस्म के बिगाड़ का हक नजर आए तो वो दिया हुआ हक के तलाक वापस भी ले सकता है इसके हवाले से एक और बात भी याद रखिए कि शोहर का बीवी को हक के तलाक देना यह शौहर की अपनी मर्जी और रजामंदी से होना है या तो दोनों फरीक हैं नजवाज की रजामंदी के साथ या मर्जी के साथ और खालिस्तन शोहर की ऐसी मर्जी के उस पर कोई दबाव, कोई बोझ कोई सौदाबाजी कोई मशरूत या कोई जबर तरीके से उसके साथ ये मामला नहीं लिया जाएगा रिश्ता देने से पहले यह कह दिया जाए कि रिश्ता देंगे तुम्हें तब अगर तुम बीवी को बच्ची को हक तलाक का हक दो तो यह मशरूत तरीके से जबर के तरीके से प्रेशर करके या किसी और तरीके से यह हक शोहर से जबरन या मशरूत तरीकों से नहीं लिया जा सकता यह उसकी अपनी रजामंदी उसकी अपनी रगबत या आपस के बाहमी मामलात के साथ हो सकता है अलबत् शरीयत में इसके नमूने मौजूद हैं अजवाज में जुदाई डलवाना और अजवाज के दरमियान झगड़ा और तनाजा और अलीदगी डलवाना ये तलाक का अमल या वैसे खफगी और झगड़ा डलवाना ये अल्लाह का सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल में से एक और शैतान का सबसे पसंदीदा अमल जादू के हवाले से भी माँ यू फर्रिकून वहीनायात में भी मैंने आपको बताया था कि मियाँ बीवी के दरम्यान जुदाई डलवाना यह शैतान का सबसे पसंदीदा अमल है और जेनों में दोहरा लीजिए मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत से वो हदीस आती है जो उस दिन भी आपने सुनी थी कि शैतान अपना तख्त लगाता है और मुख्तफ कारिंदे जब आके रिपोर्ट देते रहते हैं कि मैंने फला जगह झूठ और फला रिश्वत और चोरी और डाका और राहजनी करवाई तो वो कहता जाता है तो उन्हें कुछ नहीं किया लेकिन जब उसका एक कारिंदा आके उसको ये बताता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई और झगड़ा डलवा दिया तो वो उठ के एक रवायत में आता है कि उसको अपने तख्त पर सांठ बिठाते है और एक रवायत में आता है उठ के उसने गले लगाते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत से मुस्लिम शरीफ की हदीस है तो लिहाजा ये अब जान लीजिए कि यह हक बुनियादी तौर पर मर्द का है तलाक जहां पसंदीदा तो जरूर है लेकिन इसका बाकायदा एक जाप्ता और एक तरीकाकार हदीस के जरिए वजह किया गया है कुरान ने भी सूर्य बकरा में भी सूर्य तलाक में भी और इसी तरह हदीस के जरिए बाकायदा कब कहां कैसे दी जाएगी अगर दी जाने की नौबत पहुंची तलाक के मुख्तलिफ किस्में हैं तलाक के मसनून वो तरीका जो कुरान और हदीस से सही तरीका साबित है तलाक के बेदई तलाक के मसनून तलाक बेदई खुद से खुद बढ़ाया हुआ एक नया सिस्टम और तलाक बातिल मसनून तलाक के तरीके बुनियादी तौर पर तीन तरह के हैं इनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट करेक्ट तरीका इसको तलाक के आहसन कहा जाता है सबसे बेहतरीन बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि अभी अच्छा काम है लेकिन अगर दिया गया तो यह बेहतरीन तरीका है इस काम को अपनाने का लाके अहसन का तरीका क्या होगा हमें हदीस की तालीमान से यह बात पता चलती है कि अगर किसी मर्द को अपनी बीबी को तलाक देनी है तो हैज के बाद तोहर या पाकी की वो हालत जिसमें उनका ताल्लुक कायम नहीं हुआ तलाक उस तोहर में दी जाएगी हैज के बाद तोहर या पाकी का वो वक्त जब अभी अजवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ उस तोहर में तलाक देना असल तलाक के लिए मुनासिब और मौजू वक्त है। हैज की हालत में तलाक देना नापसंदीदा है और आपने इससे मना फरमाया हज़रत जत बिन उमर की रवायत से हरीस के अल्फाज हमें पता चलते हैं कि हयात तय्यबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसुल्ह के दौर में एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी और हजरत उमर को यह खबर पहुंची कि उसकी बीवी हैज में थी हजरत उमर ने उस खातून को हैज की हालत में तलाक दिए जाने की खबर के बारे में जब रसूल वसल्लम को खबर दी और इसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने हजरत उमर को फरमाया कि उससे कहो यानी अगर उसने उसनेज की हालत में बीबीवी को तलाक दी है तो आपने ताक़ीद फरमाई कि उससे कहो कि तौहर में यानी पाकि में फिर उसके साथ रजू करें यानी अंडू करें इस तलाक तोहर में या पाकी में अपनी बीबी के साथ रजू करे और फिर हैज के बाद तोहर में जमा से पहले तलाक दे अगर उसे देनी है तो ये तलाक के मसनूना का सही और दुरुस्त तरीका है हजरत अब्दुल्ला बिर उमर ही की रवायत से इब्ने माजा में आता है कि आदमी तोहर में जमा के बगैर तलाक दे जब शोहर अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज पुकार देता है तो उसके बाद आने वाली मुद्दत को इद्दत कहा जाता है इद्दत अदद से है, आइंदाल दाल इद्दत दाल शुमार की जाने वाली वो जिसकी मुद्दत को शुमार किया जाता है गिनना जाना इद्दत तलाक के बाद तलाक के पुकारे जाने के बाद चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है चाहे वो मशरूत थी जिस जिसपे अंदाज में थी जब शोहर अपनी बीवी को वो तलाक के अल्फाज कह देता है उसके बाद जो इंटरम पीरियड वेटिंग इन पीरियड शुरू होता है उसको इद्दत कहा जाता है क्योंकि इसकी मियाद इसकी इसकी जो लिमिट है इसको गिना जाता है इसको शुमार किया जाता है इद्दत के हवाले से कुछ मसाइल जानने जरूरी हैं सूरह तलाक सूरह बकरा और हदीस के हवाले से हमें पता चलता है कि ये इद्दत का दौरानिया कितना होगा अगर हम आज की पहली आयत देखें सलासा तकरू तीन अयाम माहवारी आइडली वो खीन जिनको माहवारी आती है जिनको हैज आता है उनके लिए इद्दत तीन अयाम माहवारी होगी यानी एक हैज के बाद जो तोहर का पीरियड है उसमें उस तोहर के पीरियड पाकी के पीरियड में ताल्लुक कायम किए बगैर तलाक दी गई उसके बाद तीन हैज गुजरे तीसरे हैज से पाक होते सार ही उसकी इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाएगा तो एक खातून जो हाइजा खातून है हैज वाली खातून जिसको हैज आता है और उसके हैज तारीख मौजूद है तो उसके लिए तीन अयाम माहवारी और तीसरे पाकि पर उसकी इद्दत मुकम्मल होगी सन रसीदा खातन बड़ी उम्र की खातन जो हैज से मायूस हो चुकी है पोस्टमिनोपोज लेडीज जिनके अब हैज का मामला नहीं है तो उनके लिए मुद्दत उनकी सबका हैज की आदत और उसके दौरानिए के मुताबिक होगी उसका जो साइकिल था कुछ का चालीस दिन का कुछ का पैंतीस दिन का कुछ का पच्चीस दिन का तो जो उसकी सबका जिंदगी में हैज के में जो उसकी आदत थी उसके मुताबिक तीन साइकल्स उसकी होगी इसी तरह नाबालिग बच्ची जो अभी बलूक को नहीं पहुंचे आपको बताया बलूक से पहले निकाह शर्यी तौर पर जायज है और बलूक से पहले फिर जब निकाह जायज है तो तलाक का मामला भी जायज है दी जा सकती है एक बच्ची जो अभी बलूक तक नहीं पहुंची और हैज का आगाज नहीं हुआ उसकी इदत उस इलाके में खातन की हैज की आदत के मुताबिक होगा आप देखें कि अक्सर इलाकों में हैज की आदत तीस दिन एक महीने है कुछ इलाके गर्म इलाके कुछ इलाके सर्द इलाके तो उस माशरे में उस बस्ती में उस इलाके में खातन की अक्सरियत की हैज की जो आदत है उसके मुताबिक उस नाबालिग बच्ची के लिए तीन याम माहवारी उस माशरे के नॉम के मुताबिक उसकी इद्दत होगी इसी तरह हामला खातून एक खातून को हमल में तलाक दी जा सकती है अगर खातून को हमल है उसका शौहर उसको तलाक तो दे सकता है लेकिन इस हमला खातून की इ्जत फिर तीन महीने या उसके अयाम माहवारी के ड्यूरेशन के मुताबिक नहीं उसकी वज़ाय हमल यानी उसकी डिलीवरी तक होगी उसका वज़ाय हमल उसकी डिलीवरी तक उसकी इद्दत होगी यानी उसके बच्चे के पैदा होने तक चाहे वो बच्चा बिल्कुल आठवें महीने में तलाक दी जाए और महीने के बाद बच्चा पैदा हो और चाहे दूसरे महीने में तलाक दी जाए और उसके बाद सात महीने अभी गुजरे लेकिन वज़ाय हमल एक हमला खातून की इद्दत होगी ये खासुल खास तलाक के हवाले से बताई जा रही है बेवा खावतीन की इद्दत इससे फर्क और अलग है आगे जाके उस पर बात भी होगी चार महीने दस दिन एक बेवा खातून की इद्दत है उसके अहकाम और उसके मसाइल बाहर कैफे से बहुत फर्क है ये इद्दत का दौरानिया अब इद्दत गुजारने की जगह और अंदाज और अहकाम क्या है इद्दत एक शहर के घर में गुजारनी मुतल खातून के लिए हदीस से साबित है पहली दो तलाकों के चांसेस में रजई तलाक की हालत में बायना तलाक में नहीं भी मैं आगे तलाक की हकीकतें भी बताती हूँ रजई तलाक की हालत में ये इद्दत खातून अपने शौहर के घर गुजारेगी और शोहर का वो घर जहां पर शोहर खुद कयाम करता है।, के एक से है तो ये नहीं कि वो उसको उस मुंतक कर दे जहां वो खुद आबाद नहीं है उसी घर में गुजारेगी आज हमारे माशरे में जब तलाक का मामला रूनुमा होता है तो भाइयों को और बापों को और सबको बड़ी गैरत आती है और वह बड़े गैरत वाले बनकर बच्ची को अपने घर ले जाते हैं और यहां तक अगर शर्य तौर पर यह हकीकत समझाई भी जाए तो वह कहते हैं लो हमारे पे इसके दो वक्त ही रोटी भारी है और वो तलाक के बाद वो इद्दत मेके में बच्ची गुजारती है और वही बच्ची जिस पर बापों को और भाइयों को पहले इतनी गैरत आ रही थी जब इद्दत पूरी हो जाती तो सारी गैरत खत्म हो जाती है उसकी दो वक्त की रोटी वाकता भारी हो जाती है ऐसा है नहीं तो लिहाजा इद्दत इद्दत मुतल खातून रजई तलाक के बाद अपने शौहर ही के घर गुजारेगी शरीयत पसंद करती है कि इस इद्दत के दौरान वो बने समरे और अपने हाल को बेहतरीन हालत में रखे शोहर के लिए शरीयत पाबंद करती है कि रजई तलाक के बाद घर में रखने के साथ साथ उस खातून को उसके गुजश्ता तरीके और हकूक के साथ उसका नान नफका फरहम करें। इस इद्दत के दौरान शौहर को रजू का हक और इख्तियार मौजूद है तो तलाक के बाद और इस रजू में शौहर के पास जबर का इख्तियार भी मौजूद है जैसे मैंने आपको बताया था कि ईला में रजू कौली तौर पर भी हो सकता है लेकिन तलाक के बाद कौली रजू मोतबिर नहीं है जिसमानी तौर पर रजू करना तलाक के मामला में लाजिम है और इसमें शोहर को जबर की इजाजत भी मौजूद है को आप देखें कि तलाक के बाद शरीयत एक पूरा ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि निभा हो जाए निभा हो जाए ये घर में उसी घर में रह रही है उसी घर में चल फिर रही है बन संवर के फिर रही है वो इसके साथ उसने इखलाक का मामला कर रहे हैं, वो इसको इसका नान नफका दे रहे हैं। अगर दिल की अगर बीवी के दिल में कजी और टेढ़ थी तो वो उसके हुसन इखलाक और नान नफके की वजह से वो नरम होके वो माजरत करके पलटेगी और अगर अगर बीवी का नहीं शौहर का कसूर था तो इस माहौल में शायद उसका दिल नरम हो जाए पूरे के पूरे तकरीबन तीन महीने इनको इकट्ठा घर में रख कर महज शरीत ये चांसेस क्रिएट कर रही है कि निभा हो जाए और घर ना टूटे Allah के हां यह ना नापसंद है तो अल्लाचुएशन हर सिचुएशन हर कंडीशन अराइज करके इस ब्रेकअप को प्रिवेंट करने के लिए ये इद्दत घर में गुजारने का तरीका शरी तौर पर सिखाते हैं और आज हमारे माशरे में ये तरीका जो है उसे उन लोगों को महरूम कर दिया जाता है बहर कैफ ये तलाक के बाद इद्दत की दौरानिया उसका अंदाज और दोनों के हकूक और अंदाज आज ही के सबक में अल्फाज आएंगे तलाक उमर तलाक दो दफा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि दो दफा दो दफा तलाक देने के बाद कुछ चीजों की इजाजत छूट और लचक होगी पहले दो ओकेजन फर्स्ट टू ओकेजन के बाद रजू की इजाजत है बीवी घर में रहेगी रजू की इजाजत है ना नफके का फर्ज है और अगर तलाक और जुदाई हो भी गई तो भी तजदीद निकाह की अपॉरचुनिटी अवेलेबल है ये दो दफा मौजूद है तीसरी दफा नहीं यही अ तलाक उमर इसको समझ लीजिए मामला क्या होगा जब एक शौहर अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज कह देता है आपस में रह रहे हैं? कोई नाचाकी कोई बदमजगी कोई झगड़ा हुआ और शौहर ने तलाक के अल्फाज कह दिए इसके बाद इद्दत का आवाज इद्दत में जब एक दफा पहली दफा तलाक दी गई तो ये तलाक रजाई है ये तलाक तलाक रजाई है ये खातून अपने शहर के घर में रहेगी वहीं से ना नफका पाएगी और ये पहली तलाक के बाद शोहर को बीवी के साथ रजू करने का हक और इख्तियार मौजूद है यह पहली तलाक है यह तलाक रजाई है रजाई का मतलब जिसमें रजू की गुंजाइश मौजूद है इस पहली तलाक तलाक रजाई के बाद दो इमकान मुमकिन हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं या तो वो इद्दत के दौरान रजू कर लेंगे और फिर मैं दोहरा रही हूं रजू जिसमानी होना जरूरी है या तो वो इद्दत के दौरान रजू कर लेंगे और या रजू नहीं होगा तलाक देने के बाद पहली तलाक के बाद तलाक रजाई के बाद अगर वो खातून मुतल औरत अपने शहर के घर में नान नफका पाने के बावजूद तीन अयाम माहवारी रहने के बावजूद रजू नहीं होता दो ही सिचुएशन बताए या रजू नहीं होगा या रजू हो जाए तो पहली सिचुएशन देख लीजिए रजू नहीं हुआ उन तीन अयामे माहवारी के अंदर रजू नहीं हुआ हैज तीसरे से पाकी के बाद तुहर के आगाज में तलाक वाकई हो जाएगी रोनुमा हो जाएगी और दोनों की अलैदगी और जुदाई का मामला हो जाएगा इद्दत की तकमील के बाद अगर रजू नहीं हुआ इद्दत में ये पहली ऑप्शन है ये पहली सिचुएशन है अगर इद्दत में रजू नहीं हुआ तीन महीने पूरे हो गए तीन आयाम माहवारी पूरे हो गए तो फिर या वजाय हमल पूरा हो गया जो भी मामला इद्दत पूरी हो गई और रजू नहीं हुआ तो फिर इद्दत की तकमील पर अलैदगी और जुदाई हो जाएगी इस अलैदगी और जुदाई के बाद ये बीवी इख्तियार ये औरत का औरत अब इख्तियार रखती है कि किसी और मर्द के साथ निकाह कर ले किसी और के साथ भी निकाह कर सकती है लेकिन यह पहली रजाई तलाक के बाद हालांकि उन्होंने रजू नहीं किया और अलहदगी हो गई है जुदाई हो गई है तलाक रोनमा हो गई है लेकिन यह पहली तलाक के ओकेजन के बाद अगर किसी मौके पर इन दोनों तलाक याफ्ता जोड़े को फिर यह ख्याल ख्वाहिश और आरजू आए कि हम निभा कर देखिए बसा औकात इकट्ठे रहते हुए झगड़े फसाद जाता होते और एक दूसरे की अहमियत का एहसास नहीं होता और एक दूसरे पर डिपेंडेंस का एहसास भी नहीं होता जब बीवी घर से चली जाती है और बच्चे संभालने पड़ते हैं और सिस्टम चलाना पड़ता है तो शोहर को तब एहसास होता है या बीवी अपने मेके चली जाती है और उसके अखराज कोई नहीं उठाता उसका नाम नफका उसको वैसे नहीं मिलता उसको वो इज्जत और वो मोहब्बत नहीं मिलती तो उसको एहसास होता है बहरहाल जिधर से भी एहसास हो जाए या दोनों को एहसास हो जाए जो शायद इकट्ठे रहते हुए नहीं हो रहा था अब पूरी तलाक के हो जाने के एक साल दो साल दस साल कितनी भी देर के बाद अगर अजवाज के दिल में ये खाकिश ये ये तमन्ना आ जाए कि हम निभा कर लें तो पहली तलाक तलाक के रजाई के बाद जहां इद्दत में रजू की इजाजती तलाक के हो जाने के बाद नए सिरे से निकाह करके दोबारा घर बसाने की इजाजत मौजूद है इसको शराय इस तजदीद निकाह कहा जाता है पहली तलाक में अगर रजू ना हुआ तलाक रूनुमा हो गई जुदाई के उस दौर में अगर अजवाज मुतल अजवाज के दरमियान ये ख्वाहिश आई कि फिर घर आबाद कर लें तो पहली तलाक के बाद नए सिरे से निकाह जिसे तजदीद निकाह कहा जाता है उसके जरिए फिर निकाह जायज है और इसका तस्वर मौजूद है और यह पसंदीदा है आप पढ़ेंगे सूर्य बकरा की आयात में कि अल्लाह ने कहा कि अगर वो निकाह करना चाहें तो उनको ना रोको ये तजदीद निकाह पूरे नए सिरे से निकाह होगा गवाह खुतब निकाह हक मेहर वलीमा वो सारी की सारी शरायत निकाह को दोबारा दोहराया जाएगा और इनका निकाह नए सिरे से फिर किया जाएगा ये तो पहली ऑप्शन थी कि इद्दत के दौरान अगर रजू नहीं हुआ दूसरी ऑप्शन तलाक दी थी शुरू हुई ये तलाक तलाक रज़ाई थी इसमें अगर अजवाज के दरमियान जिसमानी तौर पर रजू हो गया उन्हीं महीनों के दरमियान दरमियान रजू हो गया तलाक खत्म कोई जुदाई नहीं कोई अलीदगी नहीं ये दोनों जैसे पहले जिंदगी गुजार रहे थे वैसे अपने निकाह को और अकदे निकाह को महफूज करेंगे इद्दत के दौरान तलाक के बाद इद्दत के दौरान जिस्मानी रजू करने से तलाक खत्म हो जाएगी ये अजवाज ही रहेंगे अजवाज जिंदगी गुजारेंगे हाँ बस सिर्फ एक फर्क ये होगा कि इनकी हिस्ट्री में और इनकी तारीख में और इनके रिकॉर्ड में एक तलाक लिख दी जाएगी ये एक दफा दे चुके हैं बस ये उनके रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा बाकी ये अपने मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर का इख्तियार रखते ये पहली तलाक है आप इस पहली तलाक के बाद ये अजवाज आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं अजबाजी जिंदगी गुजार रहे हैं घर में रह रहे हैं सब कुछ ठीक है और ये जायज हलाल है इनके लिए इन्होंने रजू कर लिया था उन्हें तीन महीनों में के, ज़ाहिर बदमसगी तो थी खफगी तो थी किसी तरह की अगर इस खफजी की वजह से फिर किसी मौके पर झगड़ा फसाद हुआ और दूसरी दफा दूसरी दफा उस शौहर ने फिर तलाक का मामला कर दिया तलाक का हुक्म कह दिया तो ये दूसरी तलाक होगी ये दूसरी तलाक याद रखिएगा तलाक रजाई ही है इसमें भी रजू की गुंजाइश है इसमें भी वो बीवी अपने शौहरी के घर रहेगी नान नफका भी पाएगी रजू की इजाजत और गुंजाइश भी होगी अगर रजू नहीं किया तलाक हो जाएगी और तलाक हो जाने के बाद तजदीद निकाह भी मुमकिन होगा दूसरी तलाक के बाद दूसरी तलाक की इद्दत में अगर इन्होंने रजू नहीं किया और दूसरी तलाक रूनुमा हो भी गई जुदाई हो भी गई अलहदगी हो भी गई तो भी तजीद निकाह की ऑप्शन अवेलेबल है ये नए सिरे से निकाह करके फिर घर बसा सकते दूसरी तलाक के बाद भी और अगर दूसरी दूसरी तलाक के बाद इद्दत में रजू कर लिया तो बस नॉर्मल तरीके से आबाद रहेंगे नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारेंगे लेकिन अब इनके रिकॉर्ड में क्या है दो तलाकें लिखी गई हैं अब इनके इनके माजी के रिकॉर्ड में ये लिख दिया जाएगा लिखा क्या जाएगा वो रकम कर दिया जाएगा ये गिन लिया जाएगा कि इनकी इस अजबाजी जिंदगी में दो दफा तलाकें हो चुकी हैं जाहिर है अब ये बर्तन आपस में तो टकराते रहेंगे ये दो दफा इतनी बुरी तरह से हैं एन मुमकिन है कि दूसरी इद्दत में रजू करके दो तलाके रिकॉर्ड में होने के बाद तीसरे मौके पर फिर झगड़े में शोहर तलाक दे देते ये तीसरी दफा की तलाक दो दफा रजू होके घर आबाद है अब तीसरी दफा अगर शोहर ने तलाक दी तो ये तलाक अब रजाई नहीं होती ये तीसरे दफा दी जाने वाली तलाक तलाक के बायन होती है इसमें और तलाक रजाई में फर्क क्या है यह तीसरी तलाक तलाक बायन है डेफिनेट अब कोई शक नहीं अब तलाक ही तलाक है ये औरत अपने शोहर के घर में नहीं रहेगी वो शोहर इसका नाम नफका नहीं देगा ये दोनों रजू नहीं कर सकते हाँ बस सिर्फ इद्दत का पीरियड उस औरत को गुजारना है उसके बाद वो आजाद है किसी और से निकाह करने पे रजू नहीं हो सकता चूंकि रजू नहीं हो सकता तो उसके घर में भी नहीं रहेगी वो नान नफका भी नहीं देगा वो तो सिर्फ इद्दत इसलिए गुजारेगी कि अगर किसी और से निकाह करना चाहती है तो इद्दत के बाद करेगी और इस इद्दत के बाद ये दोनों एक दूसरे से निभा के लिए अब निकाह नहीं कर सकते तीसरी तलाक के बाद तजदीद निकाह का दरवाजा बंद है यह है तलाक बायना इन दोनों का निकाह तजदीद निकाह से ऐसे तो मुमकिन नहीं सिर्फ एक हालत होगी तीन तलाकों के बाद सिर्फ एक हालत होगी जब ये फिर से नए सिरे से निकाह करके घर आबाद कर सकते हैं वो हालत क्या है अगर ये मुतलका खातून किसी और मर्द के साथ निकाह करती है और निकाह भी घर आबाद करने की नीयत से करती है उसकी ये ख्वाहिश उसके दिल में ये इरादा है कि वो उस शौहर के साथ दूसरे शौहर के साथ निकाह करेगी वहीं पर रहेगी आबाद रहेगी घर बसाने की नीयत से किसी और शौहर के साथ निकाह करती है फिर वहां से उसे तलाक हो जाए या वहां से वो बेवा हो जाए तो ऐसी औरत जो किसी दूसरे शौहर से मुतलका या बेवा हुई थी ऐसी हालत में जब उसकी नीयत निकाह में घर बसाने की थी कोई साजिश करने की नहीं थी ऐसी मुतलका या ऐसी बेवा अपने सबक तलाक देने वाले शोहर के साथ निकाह कर सकती है सिर्फ यही तजदीद निकाह की इजाजत का तरीका है के खिलाफ अगर तीसरी तलाक की इद्दत के बाद दोनों मियां बीवी फिर से निकाह की गरज से एक प्लानिंग एक साजिश के जरिए इस मुतलका का निकाह किसी और के साथ करवाएं इस साजिश में कि तू इसके साथ निकाह कर इसको कुछ देर अपने पास रख और फिर इसको मेरे लिए तलाक देकर आजाद कर दे तो ये तरीका ये साजिशी तरीका अल्लाह की हदूद और अहकाम के साथ मजाक है ये साजिश ये प्लानिंग के साथ अगर मुतलिका का निकाह करवाया ही इस नियत और इस गरज से गया कि इसके पास कुछ देर रहेगी और फिर इसको मेरे लिए तलाक दे दी जाएगी तो ये खुल्ला आयात के साथ मजाक है हदूद्लाह से तजावुज है और इस तरीके के लिए हल्ला के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अगर तलाक देने वाला शौहर तीसरी दफा तलाक दी जाने वाली मुतलका बीवी का निकाह किसी और मर्द के साथ इस अंडरस्टैंडिंग पे कर दे कि निकाह और जमा के बाद इसको आजाद कर देगा और इसको तलाक दे देगा ताकि ये दोनों फिर घर बसा लें तो इस तरीके को हलाला कहा जाता है और हलाला हराम है हलाला हराम है हलाला के लिए इब्ने माजा में हदीस के अल्फाज आते हैं हलाला निकलवाने वाले के लिए निकालने वाले को आपने कराए का सांड कहा है और तरमजी शरीफ में हदीस के अल्फाज है हलाला निकालने और निकलवाने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है वो या ये मलून अमल है कबीरा गुना है तिरिमजी में हलाला निकालने और निकलवाने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है ये कबीरा गुना हुआ कोई इस अंदाज में तजदीदे निकार नहीं होगा तरीका वही होगा घर घर बसाने की नीयत से हुआ ये तरीका कार जब पहली दो तलाकें तलाके र रजू की गुंजाइश तजदीद निकाह की गुंजाइश तीसरी तलाक तलाक के बायन न रजू की गुंजाइश न तजदीद निकाह की गुंजाइश ये तीन मौकों पर दी जाने वाली हैज के बाद तोहर में दी जाने वाली तलाक और इद्दत का तरीका ये तलाक़ अहसन है इसके अलावा एक और तरीका तलाक हसन है तलाक हसन तलाक हसन में यह होता है कि शौहर एक हैज के बाद तोहर में तलाक देता है उस तौहर में रजू नहीं करता अगली हैज के बाद फिर दूसरी तलाक देता है फिर उस तौहर में रजू नहीं करता और तीसरे हैज के बाद फिर तोहर में तलाक देता है और रजू नहीं करता इन तीन तौहर के बाद तलाक रोनुमा हो जाएगी ये तलाक है हसन है उसके बाद तीसरा तरीका तलाक सलासा मजलिस वाहिद तलाक सलासा तीन तलाके मजलिस मजलिस में बैठने की जगह में वाहिद एक क्या मतलब है सिंगल सिटिंग में सिंगल निशिस्त में तीन तलाकों का दे दिया जाना यह इंतहाई नापसंदीदा है इंतहाई नापसंदीदा है हयात तैयबा में वाक्य आता है हजरत अब्दुल्ला बिन आवाज की रवायत से यह वाक्य आता है कि हयात तैयबा में एक शख्स के बारे में आपको खबर मिली कि एक शख्स ने एक ही मजलिस में एक ही जगह में एक ही ठिकाने में अपनी बीवी को तीनों तलाकें दे डाली अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग किस ऑर्डर में चलेगा और मैक्सिमम अगर करना है तो हर पीरियड के बाद अलग, अलग अलग दी जाएगी वह तलाक हसन तलाके अहसन लेकिन एक शख्स ने क्या किया कि एक ही नश्त में एक ही जगह पर तीनों तलाके दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाब किताबी अजहर भी कि तुम अल्लाह की आयत के साथ खेलते हो तुम अल्लाह की आयत के साथ नावजल्ला मजाक बनाते हो और मैं भी तुम्हारे दरियान मौजूद हूं आप वसल्लम ने इसको शदीद नापसंद फरमाया रद्द किया और आपने गुस्से का इजहार फरमाया गोया एक नशिस्त में तीन तलाकें देना शदीद नापसंदीदा है आपने नापसंद तो किया लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अबास ही की रवायत से आता है कि आपने इन तीन के कहे जाने के बावजूद इसको तस्लीम एक ही किया हजरत अब्दुल्ला बेन आबाज की रवायत से जब इस मौके पर आपने तीन तलाकें एक मौके पर देने को नापसंद किया था और इसको शदीद गुस्से का इजहार किया था लेकिन इसी हदीस में यह भी पता चलता है कि आपने इन तीनों को तस्वुर में तस्लीम एक ही के हवाले से किया था यानी इनको गिना तीन नहीं किया था और हज़रत अब्दुल्ला बिन आबास ही के हवाले से हमें यह पता चलता है कि आपकी हयात तयबा में भी हजरत अबू बकर सदीक के दौर में भी रजी अल्लाह अन और हजरत उमर अन के दौरे खिलाफत के पहले दो सालों में भी हयात तैयबा हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन का दौर और हजरत उमर रजी अल्लाह तन की दौरे खिलाफत के पहले दो सालों में तीन तलाकें देने एक नशिस्त में एक सिटिंग में तीन तलाकें देने को एक ही तस्वर किया जाता था हालांकि नापसंदीदा तो जरूर था लेकिन इसको तस्लीम एक ही किया जाता अलबत्त इस चीज का चूंकि रवाज कुछ बढ़ने लगा शरीयत के अहकाम कुछ थोड़े से जब हल्के हुए तो ये रवाज बढ़ने लगा हजरत उमर ने फिर इन दो सालों के बाद हजरत उमर ने ऐसे लोगों को जो एक निश्चित में तीन तलाकें देते थे हजरत उमर के दौर में इनको दुर्रे लगाए जाते थे ये दुर्रे लगाने के बावजूद भी जब यह तरीका खत्म नहीं हुआ तो फिर हजरत उमर ने अपने दौर में ये सख्ती का ऐलान कर दिया कि अब जो शख्स तीन तलाकें एक निश्चित में देगा उसको एक नहीं तीन तस्वर किया जाएगा हुक्म हजरत उमर के दौर में महज इसलिए अनाउंस किया गया कि लोग इस प्रैक्टिस से बाज आ जाए इस हुक्म की इम्प्लीकेशन सख्त करके दिखाई गई ताकि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी एक नहीं तुम्हारी तीन तस्लीम की जाएंगी ताकि लोग इसे बाज आ जाए हजरत उमर रजी अल्लाह तला का ये सख्ती का हुक्म और उसका ऐलान करना बहरहाल इस बात का जवाब फराहम नहीं करता कि एक नशित में तीन तलाकें तीन तसुर की जाएंगी तरीका कार हयात तय्यबा रसूल सल्लाह वसलम ही का तरीका रखा जाएगा इमाम अबू हनीफा की राय में हजरत उमर के बाद के दौर का तरीका उनकी राय में दरुस्त समझा जाता है कि अगर तीन तलाकें एक निश्चित पर दी गई तो हन्फी मसलक में इसको तीन ही तस्लीम किया जाता है लेकिन बाहर कैफ हयात तय्यबा का अगर सही हदीस से सजत अब्दुल्ला बिन आबास की रवायत से यह वाक्य वाज तौर पर बताता है कि जब तीन कहीं कहीं आपने कंडेम किया आपने नापसंद किया आपने निगेट किया लेकिन एज्यूम एक ही किया गया तो लिहाजा इसको एक ही एज्यूम किया जाएगा ये तीन तरीके तलाक के हवाले से और यूं ही मतलब वजह होता है अला का अब ये बुनियादी बातें समझने के बाद अगर हम आयत पढ़ेंगे तो हमें मतलब समझ में आता चला जाएगा अब तर्जुमा पढ़ते जाइए जिन औरतों को तलाक दी गई है वो तीन अयाम माहवारी तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए यह जायज नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में यानी वो जिसम का हिस्सा माँ के पेट का वो हिस्सा जहां पे बच्चा नशो नुमा पाता और हमल ठहरता है उनके रहम में जो कुछ तख्लीफ फरमाया है उसे वो छुपाएं उन्हें हर किस ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखती हैं उनके शौहर ताल्लुक दुरुस्त कर लेने पर आमादा आमादाह ये क्या है जी बुनियादी तौर पर तो इसमें एक हमत बताई गई है इद्दत की कि हिकमत इद्दत की बुनियादी तौर पर यह है कि हमल जाहिर हो जाए कि हमल का होना जाहिर हो जाए और अगर वो खातून अपने शोहर से हामला है तो उसका मामला अया हो जाए और अया होने पर अगर वो रुजू करके इसको अपनी सोबत में रख के अपने ताल्लुक को मेंटेन करना चाहता है तो मामला खुल के पता चल जाए इसीलिए तीन महीने की मामला जो है वो रखा गया उनके शोहर अगर ताल्लुक दुरुस्त कर लेने पर आमादा है ये कौन से ताल्लुक दुरुस्त करने की बात है यानी तलाक दी गई इद्दत गुजर गई रुजू नहीं किया और क्या हुआ उसके बाद तलाक रूनुमा हो गई अब उसको वो वापस जोजियत में लेने पर आमादा है तो इस इद्दत के दौरान भी उन्हें अपनी जोजियत में वापस देने के हकदार को या तलाक देने के बाद तलाक रजई पहली दो तलाकें तलाक रजई हैं इद्दत के दौरान रजू करके उसको जोजियत में रख सकते हैं या इद्दत गुजरने के बाद तजदीद निकाह के साथ उसको अपनी जोजियत में रख सकते हैं औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वही हकूक हैं जैसे मर्दों के हकूक उन पर हैं अलबत्त मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर यहां पहला ने फरमाया मर्दों को औरतों पर एक दर्जा हासिल है ये दर्जा क्या है इनशाला आगे जाके सुरानस में इसकी वजाहत होगी कि मर्दों को औरतों पर क्या दर्जा दिया गया उनको औरतों पर कवाम बनाया गया और उस कवाम होने का मुबादा इनशा हम सूराशाह में पढ़ेंगे अलबत्त मर्दों को उन पर एक दर्जा है एक दर्जा तो यह कि उनको कमाम बनाया गया और दूसरा दर्जा के हक के तलाक उनके हक में मुंतकिल किया गया और सब पर अल्लाह गालिब इकतदार रखने वाला और हकीम मर्दाना मौजूद है तलाक दो बार है ये दो बार का मतलब क्या कि दो बार अजवाज को यह ऑप्शन दी जाएगी कि वो रजू कर लें या तजदीद निकाह कर लें लेकिन अगर तुम इसको रूटीन बना लोगे तो फिर दो के बाद तुम्हारे लिए क्या है तीसरी के बाद ना रजू की गुंजाइश है और ना ही तजदीद निकाह की गुंजाइश है तलाक दो बार या तो फिर सीधे तरह से औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए असल में ये आयात तब नाजिल हुई अरब के माशरे के अंदर ना औरतों के ऊपर बहुत और जुल्मीती का तरीका राइज था एक वाकया कुछ ऐसे रूनमा हुआ कि मदीना के दौर में एक खातून हजरत आयशा के पास रोती हुई और परेशान आई कि देखे मेरे शोहर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा फिर मैं तुमसे रजू करूंगा यानी पूरी इद्दत में तुझे मोल रखूंगा इद्दत के अखीर में तुझसे रजू करूंगा फिर तुझे तलाक दूंगा फिर तुझे रखूंगा ना तुझे बसने दूंगा ना तुझे रखूंगा ना तुझे छोड़ूंगा मैं तुझे सौ बार तलाक दूंगा और सौ बार तेरे साथ ऐसे करूंगा अब ख़ातून बहुत ही परेशान हज़रतशा के पास आईं आए। हज़रत आयशा ने रसूल रमत सल्हलम से शौहर का इस औरत के साथ जुल्म और ज्यादी का ये मामला जब बयान किया गया तो अल्लाह की यह आयत नाजिल हो गई अतलाक मर्र तलाक देने के बाद रजू करने या तजदीदे ने कहा गुंजाइश तुम्हें दो दफा है तुम औरतों के साथ ये मजाक और ये तमाशा नहीं कर सकते याद रखियेगा शरीय के सारे अहमत खुवात के हकूक के मुहाफ़ और निगरा एक खातून के लिए वो इद्दत का पीरियड और वो सारे का सारा जो मामला है वो उसके लिए बहुत ही एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल ट्रॉमा का टाइम है तो उसको बार बार के उस ट्रॉमे और उसको खिलौना और मजाक बनाने से बचाने के लिए शरीयत ने अतलाक उम्र का मामला कहती है रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो क्या क्या दिया हो दोहराइए तो निकाह की शराय में से एक शर्त हक के महर थी तो यहां पे यह बताया जा रहा है कि अगर तुमने उनको कुछ दे रखा है तो दी हुई चीज को तुम वापस तलाक के मौके पर उस चीज को वापस नहीं ले सकते ये दी हुई चीज चाहे हक महर है चाहे वो हक महर है चाहे कोई तोहफे हैं कोई तहफ है कोई नान नफका है कोई चीज जो शोहर ने अपनी बीवी को तोहफा तन दी है हदिया तन दी है किसी भी शक्ल में दी है वो तलाक के मौके पर उसका बंटवारा करके वो वापस लेना उसका तरीका कार नहीं है हक महर या वो तोहफे तहाय वो नान नफ़का शोहर ने उसको अपनी म्यूचुअल मामला और अपनी लुत्फानंदोजी के बाबत दोनों ने एक दूसरे को लिया और दिया उसको वापस लेना हदीस के अल्फाज वाजे तौर पर मौजूद हैं आप अलैहि वसलम ने फरमाया वो शख्स जो तो किसी दूसरे को कोई तोहफा या हिबा करता है जो शख्स किसी दूसरे को तोहफा या हदिया देता है और देने के बाद उसे वापस ले लेता है उसकी मिसाल उस कुत्ते की सी है जो कै करता है और फिर खुद ही उसको चाट लेता है तो ये जो बंटवारा किया जाता है तलाक के वक्त ये वापस और ये लेना और ये देना ये कार शरीयत का कार नहीं है याद रखिएगा हाँ आज हमारा दिन बहुत ही प्रैक्टिकल सा दिन है आप देखिए कि आज बस अवत बसा अवकात कुछ कुछ शोहरों ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज टैक्स और कुछ ऐसे मामला से बचने व ऐसे मामला करने के लिए बीवी के नाम मुंतकिल करती होती है और ये एक्चुअली उस बीवी को दी नहीं गई होती ये उसको तोहफतान दी नहीं गई होती उसको गिफ्ट नहीं की जाती बुनियादी तौर पर वो शौहर की है आर्जी मामला में उसके नाम लगा दी जाती है ऐसी चीज़ तो बाहर कैफ़ उस बीवी को भी वापस कर देनी चाहिए जो बेसिक मलकियत शोहर की थी लेकिन बाकी सब चीज़ें जो शोहर अपनी बीवी को दे चुका है अकद निकाह के दौरान वापस लेने का मजाज़ या इख्तियार वो नहीं रखता अलबत यह सूरत मतस्ना है कि जोजैन को अल्लाह के हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ हो कि दोनों हदूद इलाही पर कायम नहीं रहेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई मुकाका नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले यह अल्लाह की मुकर करदा हदें हैं उनसे तजावज़ ना करो जो लोग हदूद इलाही से तजावज़ करेंगे वही सालिम है हक महर वापस लेना शोहर को इजाजत नहीं दी जा रही सिर्फ एक किस्म की तलाक और एक हालत में शोहर अपना हक महर वापस लेने का इख्तियार और मजाज रखता है और वो तलाक है खुला खुला उस तलाक को कहते हैं जो बीवी अपने शोहर से खुद मांगती है खुद तलब करने पर अगर बीवी ये वो खातून है जिसको उसके शोहर ने भी हक के तलाक मुंतकिल नहीं किया था लेकिन आप देखें कि हमारा दीन बड़ा सहूलतों का दीन है और सिर्फ मर्दों को ये इजाज़त नहीं देता हमारी शरीयत के अंदर औरत अगर उस शहर के साथ नहीं रहना चाहती उस पर म है उस पर ज़्यादती है उसके हकूक की अदम अदायगी है तो वो शौहरत औरत इस बात का इख्तियार रखती है कि वो काजी के पास वो कोर्ट के पास किसी सतह पर जाके उस शोहर से तलाक मांग सकती है तो खुला बुनियादी तौर पर उस तलाक को कहते हैं जो बीवी खुद मांगती है तलब करती है ये याद रखिएगा बगैर वजह के बगैर वजह के खुला मांगने वाली खातिन इस्लाम के लिए रसूल वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत वो औरत जो बगैर वजह के खुला मांगेगी वो शख्स वो शख्स जन्नत की खुशबू उस पर हराम है हजरत सोबान की रवायत से तिरिमजी शरीफ की हदीस है कि वो औरत जो बग़ैर वजह के खुला मांगेगी उस पर जन्नत क्या जन्नत की खुशबू भी खराब है इसी तरह हजरत सोबान ही के रवायत से इबन माजा में हदीस के अल्फ़ाज़ हैं बिला वजह खुला मांगने वाली औरतें मुनाफिक हैं बिला वजह खुला मांगने वाली औरतें मुनाफिक हैं गोया बिला वजह औरत ना मर्द तलाक देगा और ना ही औरत खुला मांगेगी अब यह बात याद रखिए कि जब औरत ने तलाक खुद मांगी है तो शरीयत फिर उस चीज को इस चीज इस बात का उस औरत को मुखलफ करती है कि उसको मुआवजा देकर उस शौहर से वो तलाक लेनी होगी इसके लिए वो अपना हक मेहर वापस लौटाती है इसके लिए वो अपना हक मेहर वापस लौटाती है खुला के बाद होने वाली तलाक तलाक के बायन है खुला के बाद होने वाली तलाक तलाक़ के बायन है अक्सरियत की राय में खुला के बाद इद्दत एक महीने है इस इद्दत में रजू का तसवर नहीं है इस इद्दत एक महीने की इद्दत के बाद ये खातून आजाद होकर किसी और से निकाह कर सकती है लेकिन चूंकि ये तलाक तलाक़ रजाई नहीं तलाक़ बाइन थी इसलिए खुला मांगने के बाद तजीद निकाह मुमकिन नहीं है खुला के बाद ना रजू है और खुला के बाद ना तजदीद निकाह है खुला के बाद रूनुमा होने वाली तलाक तलाक के बाए खुला का तरीका हमारी शरीयत में बहुत आसान है हयात तयबा में पहली खुला जो मदीना की बस्ती में हुई वो हजरत फातिमा बिनते उबई फातिमा बिनते अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा अलैहि वसल्लम इनके शौहर हजर साबिद बिन कैसे मैं साबिद का कि मैं उनके दीन और इखलाक पर कोई बात नहीं करना चाहती लेकिन मैं अपने शोहर की नाशुक् करूं इससे बचने ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है यानी मैं उनकी शुक्रगुजारी की हालत में रह नहीं सकती आके कहने लगी या अलैहि वसल्लम मेरा और उसका सर जमा नहीं रह सकता यानी हम निकाह में नहीं रहता मेरा और उसका सर जमा नहीं रह सकता मैं उनके दीन और इखलाक का तस्करा नहीं करूंगी मैं सिर्फ उनकी नाशुक् करके अपने अमल बर्बाद नहीं करना चाहती यानी हमारी तलाक कर दीजिए मैं निकाह में रह के उनकी एतात फरमा बर्दारी और उनकी शुक्रगुजारी मैं कर नहीं सकती आपवी ने फरमाया कि आप को ने जब यह बात कही तो रसुल्ला सलाह वाली ने पर्दा हटाया और आपने देखा कि उधर से हजरत साबित पिनकैस अपने साथियों के साथ चलते हुए आ रहे थे रावी कहते हैं कि मैंने भी देखा कि साबित अपने बाकी साथियों के मुकाबले में बहुत ही छोटी कदोकामत वाले थे रंगत भी स्या थी होठ भी मो, मोटे थे और उनके बाल भी बहुत ज्यादा घूंगरे आले थे शक्ल की वजह से ये मामला नहीं था उनके मिजाज की आपस में हम आहंगी नहीं थी बहरहाल आप सलि साहब ने वो पर्दा नीचे फेंका और हजरत फातमा से पूछा क्या उसने तुझे हक महर में कुछ दे रखा है इन्होंने कहा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसम उन्होंने अपना बाग मुझे हक महर में दिया था उन्होंने अपना बाग मुझे हक मेहर में दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया खुला मांगने वाली से कि क्या तू तो वो बाग उसे लौटा देगी तो इस पर इन्होंने कहा कि हाँ कुछ और भी कि अगर आप मुझे कहेंगे कि वो हक महर का बाग नहीं मैं उसके साथ कुछ और भी देने को तैयार हूँ लेकिन मुझे खुला जरूरी तो आप सल्लाह स दोनों की अलीहदगी और खुला के जरिए तलाक का मामला जो है इसका ऐलान फरमा दिया और दोनों के दरमियान अलीहदगी होगी तो लिहाजा हमारी शरीयत में खुला मुश्किल नहीं है लेकिन खातून खुद से खुद नहीं करेगी कोर्ट या काजी को अथॉरिटी इस मामले में दे दी गई है फिर अगर दो बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी अब हकीकत समझ में आ रही दो दफा उन्होंने अपनी अजवाजी जिंदगी में तलाक दी थी और दोनों दफा रजू कर लिया था अब तीसरे मौके पर झगड़े पे शोहर ने तलाक दे दी तो वो औरत वो औरत फिर इस शोहर के लिए हलाल नहीं होगी तीसरी दफा तलाक के बाद तलाक तलाक बायना है ये बायना तलाक में वो खातून अपने शोहर के घर में नहीं रहेगी वो शोहर उसको उसका नान नफका नहीं देगा वो अपने घर चली जाएगी और इद्दत पूरी होने के बाद वो किसी और के साथ तो निकाह कर सकती है लेकिन तजदीद निकाह इस मर्द के साथ नहीं हो सकता इल्ला ये कि किसी और के साथ घर बसाने की नीयत से निकाह हो और फिर तलाक और बेवा होने के बाद वो अपने गुजश्ता शौहर के निकाह में आए यही चीज यहाँ बताई जा रही इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो वो उसे तलाक दे दे तब अगर पहला शोहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रजू कर लेने में कोई मुजायका नहीं ये तरीका हलाला नहीं है हलाले का तरीका मैंने आपको समझा दिया उसमें नीयत और उसमें तरीके फर्क है ये अल्लाह के मुकर करदा हदे हैं जिन्हें वो लोगों की हदायत के लिए वजह करता रहता है जो इनकी हदूद को तोड़ने का अंजाम जानते हैं तीसरी तलाक के बाद वो ख़ातून अपने शोहर के घर में नहीं रहेगी वाकई भी हदीस का आता है हजरत फातमा बिनतैस हजरत फातमा बिनतैस रसुल्लि वम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि यार रसोल सल वसलम मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है और वो तलाक दे के जंग पर रवाना हो गया है ना उसने मुझे अपने घर में रखा मुझे घर से निकाला भी है और अब मुझे ना नफका भी नहीं दे रहा मेरे लिए हुक्म क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा क्या तेरे शोहर ने तुझे पहले भी तलाक दी थी क्या तेरे शोहर ने तुझे पहले भी तलाक दी थी तो इस पर इन्होंने बताया कि मेरे शोहर ने मुझे पहले दो दफा तलाक देने का मामला इख्तियार किया है और ये मेरी तीसरी तलाक है तीसरे तलाक का हवाला सुनने के बाद आप वसल्लम ने फरमाया उसके ऊपर तेरा नान नफका नहीं और ना ही उस पर तेरी रिहायश है यानी ना तो उसके घर रह सकती है ये तलाक तलाक के बायना है ना उस पर तेरा नान नफका है ना उस पर तेरी रिहायश है आप वसल्लम ने शौहर को इस नान नफके और रिहायश की फरहमी से भरी जिम्मा किया और सहाबिया को हजरत एक जो नाबीना साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम उनके घर रहने की ताकीद फरमाई उनकी इद्दत के दौरान तो लिहाजा ये तीसरी तलाक के बाद ये नमूना जो है वो उनकी तारीख में इसका वाक्य मौजूद जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए या तो भले तरीके से रोक लो यानी रोकना है तो फिर घर बसाने की नीयत से करना उनको तंग करने और सताने की नीयत से ना करना भले तरीके से रोक लो और महज़ सताने की खातिर उनको ना रोको ये ज्यादती होगी जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ही ऊपर जुल्म करेगा अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ भूल ना जाओ अल्लाह ने किस नमत उज़मा से तुम्हें सरफराज किया है वो तुम्हें नसीहत करता है जो किताब और हमत उसने तुम पर नाजिल की है उसका एहतराम मलहूज़ रखो अल्लाह से डरो और ख़ूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर इसमें रुकावट ना हो कि वो अपने जेरे तजवीज शोहरों से निकाह कर लें जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम निकाह पर राजी हो तुम्हें नसीहत की जाती है ऐसी हरकत हरगज ना करना अगर तुम अल्लाह और रोज आखरत पर ईमान लाने वाले हो तुम्हारे लिए शायस्ता और पाकिजा तरीका यही है कि इससे बास रहो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते गोया अब यहां पर तलाक के रूह डुमा हो जाने के हवाले से निकाह के कुछ एहकाम बताए जा रहे हैं इसमें यह जो कहा जा रहा है कि तुम इसमें माने ना हो कि वो किसी के साथ निकाह कर लें ये मुखातिब कौन है ये मुखातिब दो हो सकते हैं या तो गुजश्ता तलाक देने वाला शौहर तलाक देने वाले शौहर को इस आयत में मना किया जा रहा है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक दी मुतलका के साथ रजू नहीं किया तुम्हारी तलाक रूनुमा हो गई तलाक हो जाने के बाद अगर वो किसी और के साथ निकाह करना चाहती है तो तुम इसको अपनी अना का मामला बना के उसकी दूसरे निकाह में रुकावट ना डालो बात समझ में आ गई मुतलका खातून अपने गुजश्ता शौहर के साथ आजाद है निकाह टूट चुका है तलाक हो चुकी है गुजश्ता शौहर को कहा जा रहा है कि तुम अगर किसी और मर्द के साथ ये निकाह करना चाहती है तो तुम रोड़े ना अटकाना और तुम रुकावटें नाटाना बस औकात है हमारे माशे में ये मेरे बच्चों की माँ है और ये मेरे घर में रही है मैं इसको किसी और के साथ निका खुद भी छोड़ दिया किसी और से निकाह भी नहीं करने दिया शरीयत ने इससे मना किया लेकिन अक्सर तवासर में आपको ये मामला मिलेगा कि ये उस मुतलिक खातून के घर वालों को मुखातिब करके समझाया जा रहा है खातून तलाक याफ्ता होकर अपने मेके में या अपने घर वालों के पास वापस पलटती है और उसका तलाक देने वाला शोहर फिर तजीद निकाह पर राजी है तो घर वालों को कहा जा रहा है तुम अपनी इज्जत और अना का मामला बन के इन दोनों अजवाज को फिर अपना घर बनाने और आबाद करने में रुकावट ना डालना वाक्य भी आता है आप सल्हलम की हयात तय्यबा में एक मिया बीवी के दरमियान तलाक रूनुमा हुई जमीला और आसिम बिन अति जमीला और आसिम बिन अति के दरमियान तलाक रूनुमा हुई जब आसिम बिन अदी ने जमीला को तलाक दी उन्हें घर से निकाला तो जमीला के भाई मोक्ल बिन गसार उनको अपने घर ले गए बहन को घर ले गए जैसे मामूल होता है अब जब जमीला घर से गई तो घर के रहने के दौरान तो शायद अंदाजा नहीं हुआ जो घर छूटा तो हजरत आसिम बिन अदी को यह एहसास हुआ कि मेरा घर उसके बगैर नहीं चलता दोनों अजवाज के दिल में यह ख्वाहिश आई कि हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं और निकाह की हालत हमारे लिए बाहर कैफ बेहतर थी आसिम बिन अदी हजरत मोक्ल बिन यसार के पास हाजिर हुए और निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया घर से आबाद करने और बसाने और जमीला को वापस अपने घर ले जाने की ख्वाश का इजहार किया तो इस पर मुक्की बिन यसार ने कहा ये खुदा दुश्मन तूने मेरी बहन को तलाक दी उसे जलील और रस्वा किया उसको घर से निकाला और अब तू फिर उसके साथ निभा करना चाहता है खुदा की कसम में कभी उसको तेरे साथ आबाद नहीं होने दूंगा यानी भाई ने अपनी अना का मामला बना लिया इस पर यह कुरान की आयात उतनी कि ए मुतल खातन के घर वालों अगर उसका तलाक देने वाला शोहर इस मुतल खातून से पहली दो तलाकों के बाद की कैफियत के अंदर वापस निकाल करके उसको अपने घर में आबाद करना चाहते हैं तो इस घर को आबाद हो जाने दो निभा हो जाने पता चल रहा है कि अल्लाह सुबहाना तरह की बर्बादी को कितना रोकना चाहते हैं कितना डांट लगाना चाहते हैं और हर ही तरीका इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं घर आबाद इद्दत के दौरान इद्दत के बाद तजदीद निकाह के दौरान घर वालों को सरजनिश की जा रही है और किसी तरीके से उस घर को टूटने से बचाने का हर ही तरीका इख्तियार किया जा रहा है तो इस पर जब मौकिल बिन यसार के ऊपर ये आयात पढ़ी गई उनको सुनाई गई उन्होंने अपने रवैये का मुहासबा किया एतराफ़ किया अपनी कसम के तोड़ने का कफ़ारा दिया और अपनी बहन और बहनोई के दरमियान तजदीद निकाह करके घर वापस आबाद करवा दिया आज हमारी शरीयत के ये अहकाम हमारे माशरे में किस कदर इनका मजाक उड़ाया जाता है और किस कदर इनकी नफी की जाती है अल्लाह हमें ये यह तालीमे से मुतारफ करने की तोहफी किताब फरमाए जो बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद पूरी मुदत रजात तक दूध पिए तो माए उन बच्चों को अपने बच्चों को कामिल दो साल दूध पिलाएं यहाँ पर एहकाम तो रजात के आ रहे हैं तलाक के हवाले से लेकिन एक बहुत बड़ा बुनियादी अहम मुक्म ने इस्लाम को बहर कैफ उनकी आम रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से भी दिया जा रहा है अल्लाह सुबहाना ताला फरमा रहे हैं वल वन सारी की सारी माए वो क्या करें यू र वो रजात करें वो दूध पिलाएं किनको होना, उनकी औलादों को कितनी देर हाउल दो साल पूरे अल्लाह सुबहाना ताला के कुरान की आयात अहकामाते इलाही होते हैं कुरान की आयात और कुरान के डूज और डोंट्स एहकाम इलाही होते हैं और अल्लाह कुरान में जो काम करने का कह देते हैं अपने कलाम में अल्लाह जो काम करने का कहते हैं वो फरीजा दीन होता है वो फर्ज ऐन होता है अल्लाह ने कुरान की इस कोहान में सूरा अल बकरा में खातने इस्लाम को मुख़ातिब करके एक फरीजा दीन एक हुक्म खुदा बंदी बताया है खात इस्लाम को फरीजा दीन हुक्म खुदा बंदी बताया जा रहा है रजात औलाद खातन का फर्ज और औलादों का हक है और याद रख लीजिएगा कयामत के दिन अल्लाह अपने हक तो माफ कर देगा और कर सकता है कर तो वह सभी कुछ सकता है लेकिन अल्लाह क्यामत के दिन अपने हक माफ कर देगा बंदों के हक माफ नहीं करेगा अल्लाह कि वो शख्स खुद माफ करे तो दूध पिलाना और रजात करवाना फरीजा दीन है खातिन इस्लाम का फर्ज है और औलादों का हक है और ये फर्ज किसको कहा जा रहा है अलविदा सारी की सारी माए सारी की सारी माए एग्जैम्पन कुरान ने छोड़ी नहीं एग्जाम्शन लचक छोड़ी नहीं सारी की सारी माए वो अपनी औलादों को दो साल पूरे दूध पिलाए वाल वालिदात के जुमरे में वो खातून कोई अमीर है कोई गरीब है कोई कम सिन है छोटी उम्र की है कोई सन रसीदा कोई उम्र रसीदा है बड़ी उम्र की है कोई ताकतवर है कोई कमजोर है कोई पढ़ी लिखी है कोई अनपढ़ है कोई जॉब करने वाली है कोई हाउसवाइफ है कोई बीमार है कोई तंदुरुस्त है वाल वाली दात सारी की सारी मां, कोई लचक और कोई छूट अवेलेबल नहीं है बीमार माओ में से भी कोई बीमार मां मेडिकल साइंसेस आज किसी बीमारी को दूध पिलाने के बरखिलाफ और दूध पिलाने में रुकावट तस्वर नहीं करती सिर्फ एक बीमारी सिर्फ एक बीमारी अगर मां को पे दिक है टूबर क्लोसिस है मां ऐसी टीबी की मरीज है और हर टीबी की मरीज मां भी नहीं ऐसी टीबी की मरीज मां जिसके बलगम में टीबी के जरासीम आ रहे हैं सिर्फ ये तपेदिक की टीबी की मरीजा मां जिसके जिसकी सांस के साथ उस बच्चे की इंफेक्शन का चांस है सिर्फ वो मरीज टूबर्कल की पेशेंट मां जो है उसको उसको डॉक्टर रोकते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई और मेडिकल इंडिकेशन मौजूद नहीं वो अनवालिदात सारी की सारी माए किसी मां को इस चीज पर छूट नहीं दी गई ये हुक्म है और इसमें कोई ऑप्शन और लचक मौजूद नहीं है और लिमिट क्या है दो साल रजात करवाना और दो साल दूध पिलाना एंड माइंड यू ये दो साल हमारे शमसी कैलेंडर के नहीं हमारे कमरी कैलेंडर के साल ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था तारीख का तयन पैदाइश का तयन रजात के आगाज का तयन जो है वह कमरी कैलेंडर के हिसाब से होगा क्योंकि कमरी और शमसी कैलेंडर में अगर तयन में फर्क किया गया तो कुल बीस दिनों का इजाफा हो जाएगा शमसी कैलेंडर में सोलहर कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर जो है उसमें बीस दिन ज्यादा हर हर साल में दस दिन का इजाफा है तो गोया तयन तारीख का हौलैन कामलैन इसका अंदाजा जो है वो हमारे कमरी कैलेंडर के हिसाब से होगा इतना बड़ा हुक्म और अजर कितना बड़ा हदीस के अल्फाज मौजूद हैं आप वसल्लम ने फरमाया कि जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में जब अप मां अपने बच्चे को गोद में बिठा के उसको दूध का पहला घूंट पिलाती उसको पहला दूध का घूंट पिलाती है तो उसको एक जान को जिंदगी बख्शने का अजर लिख दिया जाता ये तो लूट से लड़ने की होगी कितना कितना पीते हैं और कितना कितना वो बच्चे उस रजात के दौर में दूध पिएंगे मां से एक पहले घूंट के बस उसको एक जान की जिंदगी बख्शने का अजर लिख दिया जाता है और मेरा कुरानी मुझे ये बताता है जिसने एक जान को जिंदा किया उसने कोई सारी इंसानियत को जिंदा किया ये अजर है और नमूने मौजूद हैं वो माए जो अपने बच्चों की रूहानी और जिसमानी गजाओं के बंदोबस्त करती थी अजतफातमा तो जहरा वो नमूना दोहरा दीजिए आज इन बस्तियों में अजतमा तो जहरा की गोद में उनके बेटे हुआ करते थे हाथों से चक्की पीस रही होती थी बच्चे गोद में दूध पी रहे हैं और जबान पर हजरत तो ज़हरा के कुरान की आयात और हिफ्स की आयात जारी थी ऐसा खूबसूरत जिसमानी और रूहानी गज़ा की आमेजिश जब इन औलादों को मिली थी माँ की गोद में वो घुट्टी मिली थी वो हाथ से मेहनत की जफा कशी के नमूने नजर आए थे तो ये दोनों बेटे क्या हैं ये औलादे क्या हैं जन्नत के जवानों के सरदार हैं अल्लाह हमें यह हक अदा करने की तोफ़ी अता फरमाएं और अल्लाह की तालीमत इस माशरे में आम करने की तोफ़ी फरमा दे दूध का पिलाना औलादों के लिए हक और माँ के लिए फरीजा है हुक्म खुदाबंदी है इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है आज हमारे माशरे में आज हमारे माशरे में मुख्तलि वजूहत की बुनियाद पर बस अवत मैं कहती हूँ वह माएँ वह बहनें वह खालाएँ उस बच्ची पर उस माँ पर तरस करके अब ये इसी को चिमटा रहेगा तो इसको किसी न किसी और बोतल पे लगा दो कहीं आना जाना भी पड़ता है कहीं उठना बैठना भी पड़ता है कोई खुशी गमी का मामला भी आता है इसको किसी दूसरी बोतल पे लगा दो कुरान के अहकाम की नफी करते वक्त याद रखिएगा अल्लाह के अहकाम के अत में कोई लाड प्यार नहीं हुआ करता और ये लाड प्यार का तरीका नहीं ये भांडा लाड प्यार है जो कुरान और अदीस की नाफरमानी की तरफ माइल करता है वो माए सिर्फ इस घुट्टी में वो इब्तदाई तौर पर पहले दिन पे वो बॉटल फीडिंग डाल देती हैं अपनी बच्ची को आजाद करने के लिए बाजारों में जाए कॉफी पार्टियों में जाए टी पार्टियों में जाए शादी ब्याहों में जाए किसी को पकड़ा नहीं पड़ता है किसी को थमाना ही पड़ता है फिर बस अवकात अपने जॉब्स को अपने प्रोफेशन को प्रस्यू करने के लिए और कुछ नहीं तो अपने फैशन और अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए अपनी आजादी को कायम रखने के लिए अरे कितने दिनों की आजादी है तीन नहीं तो चार महीने चार महीने पे तो बच्चा वैसे ही बॉटल फीडिंग से ऑफ होके किस पे सॉलिड्स पे आ जाते हैं चार महीने भी वो मां जिसका दर्जा अल्लाह ने कितना रखा था वह हमलू व फसा सलासून और शहरा तीन दर्जे जो मां के बाप से ज्यादा किए गए थे उसमें से एक दर्जा किस दिए था कि वह उसको दूध पिलाती थी उसका दर्जा उस बाप से अल्लाह सुबहाना तला ने अपने बाद अल्लाह ने जिसकी अतात का अजर लिख दिया था और जिसने बाप के दर्जे से तीन गुना दर्जे ज्यादा कर दिए थे वो किस वजह से थी उसके हमल उसके रजात और उसके वजह हमल की मुश्किलों और दुशारियों की वजह से ये वो चार महीने बच्चे को अपने साथ लगाना और उसके साथ जुड़ना मुश्किल और भारी हो जाता है याद रखिएगा ये हुक्म खुदाबंदी है और इस पर कोई दो राय मौजूद नहीं है अदीस के अल्फाज वो भी याद रखिएगा आप सल्लाह वदीस के, के अल्फाज हैं कि मुझे कुछ औरतें दिखाई गई जिनकी छातियों को सांप डस रहे थे मुझे कुछ औरतें दिखाई गई जिनकी साथ छातियों को सांप डस रहे थे मैंने पूछा ये कौन सी हैं तो बताया गया ये वो माए हैं जो क्या करती थी यमना वो मना करती थी वो रोक देती औलादा हन्ना उनकी औलादों को किससे से मैं बनाने हिन्ना अपने दूध से रोक देती थी अपने दूध से महरूम कर देती थी इतने इतने मेडिकल फायदे अरे वो जो अजर मिलना है वो एक एक घोट इबादत बन जाता है वो अजर बन जाता है वो जन्नत के हसूल का रास्ता बन जाता है और मां और बच्चे की दुनिया जो बदा जाता है वो और है। वो पहले तीन दिनों का दूध जिसे आज हम मेडिकल कहते वो पूरे साल तक के लिए उस बच्चे को एंटीबॉडीज दे जाता है तीन पहले दिनों का दूध वो पूरे एक साल के लिए बच्चे को एंटीबॉडीज और उसके इम्यून सिस्टम को डबल डोज देने का जरिया बनता है और ये भी आपको पता है कि मां के दूध की ताकत 40 साल तक रहती है और मां का दूध वो बच्चे को हर किस्म की खांसी जुकाम ईयर इंफेक्शन चेस्ट इन्फेक्शन एलर्जीज़, फूड एलर्जीज डायरियाज और व्हाट नॉट मैं लेती जाऊंगी फेरिस्त और बनाती जाऊंगी मैं कोई मेडिसिन का लेक्चर तो यहां देने के लिए बैठी नहीं हूं और वो जो मां को दे जाता है फायदे वो तो पता नहीं कितने दे जाते हैं आज वो रिसर्च है कर कर के माओ को कायल करते हैं माओ माए बच्चों को दूध पिलाएंगी तो ब्रेस्ट कैंसर से महफूज हो जाएंगी मेरा रब ऐसे तरीके नहीं अपनाता मेरा रब जन्नत दिखा के मुझे उसकी हरीस बना देता है अल्लाह के यहाँ सौदे बहुत बड़े हैं ये दुनिया के सौदे आर्जी हैं अल्लाह सुबहाना तला हमें ये हकूक समझने और इनको अदा करने की तोफीकता फरमा दे अल्लाह सुबहाना देख लीजिए रजात के अहकाम कितने अहम हैं कि एक घर टूट गया तलाक हो गई जुदाई हो गई उस हालत में भी अल्लाह क्या इंश्योर कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी तलाक हो जाए और वो जो बाप चाहते हो कि उनकी औलादें पूरी मुद्दत रजात तक दूध पिए तो माए अपने बच्चों को दो साल तक दूध पिलाएं कितनी अहमियत है इस रजात की तलाक के बाद भी दोनों अजवाज अलग हो गए घर टूट गया घर की छत उड़ गई लेकिन वो उस नौजायदा बच्चे की मां की रजात को इंश्योर कराने का तरीका इतनी आयात नासिल करके इसको इंश्योर करवाया जा रहा है हंसते बसते घरों में खाते पीते घरानों में सेहतमंद खातन सिर्फ अपनी कॉफी पार्टियों पे जाने के चस्के के लिए बच्चों को दूध से महरूम कर अपनी रातों की नींद इंश्योर करने के लिए इसको किसी मेड़ के पास पकड़ा दूंगी इसलिए बाहर कैफ इस सूरत में बच्चे को मारूफ तरीके से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा यानी अगर तलाक हो गई है और उसके बाद मुतल बीवी उस बाप के बच्चे को दूध पिला रही है तो फिर नान नफका जितनी देर वो माँ उस बच्चे को दूध पिलाएगी वो तलाक देने वाला शोहर अपनी मुतल बीवी को नान नफका देगा मगर किसी पर उसकी वुस्सत से बढ़कर बोझ नहीं डालना चाहिए ना तो माँ को उसकी वजह से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है और ना ही बाप भी को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है हमारे शरीय में ना जो और को पसंद नहीं किया जाता एक्सप्लॉयटेशन को शरीयत कहीं ना पसंद करती है ना इजाजत देती है ये शरीयत कह रही है कि जब अलीहदगी हो गई जुदाई हो गई तलाक हो गई तो वो दोनों अगर चाहते हैं कि बच्चा दूध पिए तो उस मुदत में क्या करेंगी माँ बच्चे को दूध पिलाएगी और बाप जो है वो उसका नफका और उसके खराजात उस रजात के पीरियड में देगा लेकिन वो माँ बच्चे को बच्चे को यूज करके बाप से एक्सप्लॉइड करके अच्छा बच्चे को दूध पिलाना है बाप है अपनी जरूरत को पिलाएगा वो ढेर सारा नान नफका मांग ले और यहां बाप माँ को सताने के लिए अपना बच्चा अपनी ज़रूरत को दूध पिलाएगी अपनी तकलीफ़ को दूध पिलाएगी और उसको नान नफका बहुत कम दे तो अल्लाह ने इसको कहा कि ना माँ को सताया जाएगा और ना ही बच्चे को सताया जाएगा दूध पिलाने वाली का ये हक जैसा बच्चे के बाप पर है वैसा ही उसके वारिस पर भी है लेकिन अगर फरीकैन बाहमी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहे तो ऐसा करने में कोई मजायका नहीं और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का यानी अब नकाह टूट गया है तलाक हो गई है दोनों रजामंदी नहीं हो रही आपस में मामला सेटल नहीं हो रहा तो भी क्या करो इसको वो डब्बे का या पाउडर या पता नहीं कहाँ कहाँ से न लाओ फिर भी एहतमाम किसी औरत किसी इंसान ही का दूध पिलाने का अहतमाम करो तो ऐसा करने में कोई मजायका नहीं और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो, तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं बशरत है कि इसका जो कुछ मुआवजा है वह तय कर लो वो मारूफ तरीके पर अदा करो अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में रजात के दौरान रजात के दौरान और तलाक़ के बाद बच्चे को रखने का हक और इख्तियार किसके पास है हमें हयात तय्यबा के कुछ वाकयात से पता चलता है और इससे वाज तौर पर अलामात मिलती हैं एक खातून अल्लाह के रसूल अलैहि वसलम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि या रसूल सल्हल वसलम मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है मैं उसे सीने से लगाती हूँ वो मेरा बच्चा मुझसे छीन कर मुझे मेरे बच्चे की ममता से तड़पाना और मेरे बच्चे को मेरे दूध की भूख से तड़पाना चाहता है बात समझ में आई तलाक हो गई है और वो शौहर जो है वो अपना बच्चा ले जाना चाहता था ये मुतल खातून रसूल सल्लम के पास मुकदमा लेकर आई कि मेरी मामता को तड़पाता है और उस बच्चे को माँ के दूध से महरूम करना चाहता है आप अलैहि वसल्लम ने सवाल किया क्या तूने किसी और से निकाह कर लिया उसका तू ने फरमाया कि नहीं उसने बताया कि मैंने भी किसी से निकाह नहीं किया और मैं इस बच्चे को दूध भी पिला रही हूं आप अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को रखने का हक और इख्तियार माँ को दे दिया को या जब तक माँ दूसरा निकाह नहीं करती और वो बच्चा अभी छोटा भी है मां पर डिपेंडेंट भी है दूध की हाजत भी है तो फिर मां जो किसी और शोहर के अकद निकाह में नहीं है बाप के मुकाबले में मां का रखने का और हक इस हदीस के हवाले से वाज़े। इसके बाद एक और वाक्य भी मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई उसने अपना वाक्य बयान किया कि यह रसूल सलमेरा एक बेटा है वो तो दूध पीता बच्चा था ना इस खतू ने कहा यार रसोलम सलाव, मेरा एक बेटा है वो मुझे बहुत अजीज़ है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है वो मुझे कुएं से पानी भी ला के देता है और मेरे और भी बहुत से काम काज करता है लेकिन मेरा शोहर उसे मुझसे अलग करना चाहता है ये बच्चा क्या था ये भाग दौड़ की उम्र को था माँ को अजीज तो सारे बच्चे होते हैं लेकिन माँ ने कहा यह मेरे काम काज भी बहुत से करता है मुझे कुएं से पानी भी ला के देता है और मेरी और भी बहुत से काम काज करता है लेकिन मेरा शौहर इसको मुझसे छीनना चाहता है आप सल्ह वसलम ने दोनों फरीक़ैन को बुलाया और उस बच्चे को पूछा कि तू किस साथ जाना चाहता है उस बच्चे ने अपनी माँ के साथ जाने को पसंद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उंगली उसकी माँ के हाथ में थमा दी गोया इन दो वाक्यात से दूध पीता बच्चा वो बच्चा जो अभी माँ पर डिपेंडेंट है उसकी गोद उसकी शफकत के लिए अगर वो माँ दूसरा निकाह नहीं करती तो माँ का हक बाप से ज़्यादा है और फिर जब वो बच्चा होश के काबिल भाग दौड़ने की उम्र में आ जाए और वह समझ और फहम रखे तो उसके बाद हक किसका होगा वो फैसला उस बच्चे के मुख्तार और बच्चे की मर्जी के मुताबिक किया जाएगा बच्चा बाप के साथ जाने को तरजीह देता है तो उसको बाप के साथ भेजा जाएगा और अगर बच्चा माँ के साथ जाने को तरजीह देता है तो माँ को भेजा जाएगा असल बात देखें कि अजवाज का तो निभा नहीं हुआ कसूर तो उन दोनों का था कसूर इस बच्चे का नहीं था जिसका कसूर नहीं था इख्तियार शरीत ने उसको दे दिया हमारा दीन बुनियादी तौर पर बड़ा हिकमत वाला दीन है तो में से जो लोग मर जाए उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हो तो वो अपने आप को चार महीने दस दिन तक रोक रखें चूंकि तलाक के हवाले से इ्दत की बात हो रही है तो अल्लाह अल्लाहाना ने अब जुदाई की एक और शक्ल जो दुनियावी जुदाई की हो गई ये कौन सी है जी वफात के बाद की कैफियत शौहर की वफात के बाद की इ्जत एक बेवा खातून के लिए शौहर की वफात के बाद इ्जत की म्याद चार माह और दस दिन बताई गई है वफात के बाद सोग तीन दिन है वफात के बाद हदीस और सुन्नत के जरिए सोग का तस्वुर सिर्फ तीन दिन है और सोग का मतलब क्या है कि इंसान अपने नॉर्मल मामूलाते जिंदगी में मुलविस ना हो और किसी किस्म की बनाव सिंघारियां आरइश ना करे सोग का तस्वुर तीन दिन है कि तीन दिन तक वो रसा या पसमानदगान अपनी मामूलाते जिंदगी का मामला नहीं करेंगे और आप देखें बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है गम में भी नहीं ढाल होते हैं और आना करते हुए आने वालों ने बहुत से ताजियत करने वालों ने भी आना है उनके लिए भी मुयसर और अवेलेबल होंगे इसके बाद किसी और की वफात पर तीन दिन से ज्यादा सोग का तस्वर नहीं है हज हाँ हमारे यहां देखिए किसी एक की वफा पर पूरे हफ्ते के लिए वो फ्लैग मास्ट जो है उसको डाउन कर दिया जाता है और पूरे महीने के लिए या पूरे हफ्ते की सोग पूरी का पूरी कौम मनाने का ऐलान कर दिया जाता है इन चीजों का तस्वर मौजूद नहीं है बहरहाल तीन दिन तक सोग है सिर्फ बेवा के लिए उसका सोग और उसकी इद्दत चार माह और दस दिन इसमें बहुत सी एक मतें हैं एक तो ये कि उस खातून के ऊपर बहुत ही बड़ा सा बहुत ही बड़ा सा मरल और बहुत ही मुश्किल सी ये आजमाइश आती है उसमें उसको जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर साइकोलॉजिकली इमोशनली फिज़िकली हर तरीके से उसको अपना ज़ख्म भरने के लिए एक वक्त चाहिए उसके उसके हमल के जाहिर होने के लिए भी एक मैदार चाहिए और उसका वो जो सारा गम का पहाड़ उस पर गिरा है उससे भी उसके आसाब को इकोनॉमिकली भी और सोशली भी सारे मामलों के हवाले से इस इस, इस पीरियड में अगर इंटैरम पीरियड में अगर वो कोई अपनी जिंदगी का फैसला भी करेगी तो वो वो सही नहीं होगा वो रैशनल नहीं होगा बिकॉज वो इकोनॉमिकली इमोशनली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है तो इसके लिए ये इद्दत चार माह दस दिन की पीरियड जो है वो रख दी गई बेवा की इद्दत ने उसको भी उसके अदब और सलीके सिखाए गए हैं बेवा के लिए पसंदीदा तरीन है कि वह अपने शोहर के घर में अपनी इ्द्दत गुजारे और दूसरी बात यह कि वो किसी किस्म का बनाओ संघार या आरइश नहीं करे बेवजह घर से निकलना भी उसके लिए पसंदीदा नहीं है हाँ जरूरियात जिंदगी के लिए वो निकल सकती है बेवजह घर से निकलना पसंदीदा नहीं है जरूरिया जिंदगी और मजबूरियों के तहत मसल किसी डॉक्टर को दिखाना है कोई ऐसी मजबूरियों का काम है ऐसे मामलात के लिए तो वो घर से निकल सकती है लेकिन गैर जरूरी तौर पर घर से निकलना पसंदीदा नहीं है रंगे हुए कपड़े पहनना उसके लिए पसंदीदा नहीं है हल्के रंगों के बग़ैर रंगे हुए कपड़े पहनना ये उसके लिए ताक़ीद शरीयत की मौजूद है और इसके अलावा कोई जेवरात पहनना या खुशबू सुरमा मेहंदी या खजाब वगैरह लगाना और बालों की आरइश वगैरह से परहेज़ करना यह उसके लिए तरीका सिखाती है शरीयत उसको और फिर उसके हवाले से फरमाएगा कि जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें इख्तियार है कि अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके यानी इद्दत के पूरे होने के बाद वो किसी से निकाह करना चाहती हैं या नहीं निकाह करना चाहती इवन उनकी राय तुम इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अल्बत्ता तुम सबके अमाल से अल्लाह बाखबर है जमाना इद्दत में खा, तुम उनकी उन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे कनाए में जाहिर कर दो खाद दिल में छुपाए रखो दोनों सूरतों में कोई मुजायका नहीं अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही मगर देखो खुफिया दो पैमान न करना अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से करो और अकद निकाह बांधने का फैसला उस वक्त तक न करो जब तक की इज्जत पूरी ना हो जाए खूब समझ लो अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है लिहाजा इसे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह बुध है छोटी छोटी बातों से दरकसर फरमाता है तुम पर कुछ गुना नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके हाथ लगाने की नौबत आए हाथ लगाने की नौबत आए दो हालात के हवाले से हो सकते हैं निकाह हुआ और निकाह के बाद अभी रुखसती हुई ही नहीं निकाह के बाद रुखसती नहीं हुई या रुखसती हो भी गई और रुखसती के बाद अलीहदगी और जिसमानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ तो ऐसी दोनों हालतों में जब अभी ताल्लुक अजवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ इससे पहले तलाक देने की इजाजत और लचक मौजूद है इस तलाक के बाद मामला क्या होगा इसकी दो हालतें यहां पर भी और सूरा तलाक में भी ये दोनों हालतें बताई गई अगर ताल्लुक कायम करने से पहले तलाक दे दी गई तो दो हालतें हैं या हक़ महर मुकर किया गया है और यहां हक महर मुकर नहीं किया गया अगर हक महर मुकरर नहीं किया गया तो यहाँ पे भी और सूरत तलाक में भी अल्लाह तैयार फरमाते हैं कि फिर कुछ ना कुछ तोहफा हदिया देकर रखसत किया जाएगा और अगर हक महर मुकर कर दिया गया है तो फिर निसफ हक महर दे दिया जाएगा कबल इसके के हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुकर किया जाए यानी अगर महर मुकर्र नहीं किया गया ना ही छुआ गया है ना ही ताल्लुक हुआ है और ना ही महर मुकर्रर्र हुआ है तो फिर क्या करना है उस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए खुशहाल आदमी अपनी मकदरत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी मकदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे ये हक है नेक आदमियों पर और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर किया जा चुका था तो उस सूरत में निस महर देना होगा और ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर ना ले या वो मर्द जिसके इख्तियार में अकदे निकाह है वो नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे तुम यानी और मर्द नरमी से काम लो नरमी से काम लो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है आपस के मामला में फयाजी को ना भूलो तुम्हारे आमाल को अल्लाह देख रहा है अल्लाह सुबहाना ने बड़ी वजाहत से यहाँ सूरा बकरा में और इसी से मिलते जुलते अहकाम सूरा अलाक़ में देखकर माशरे के अंदर रोनुमा होने वाले इन हालात के ऊपर बड़ी वजाहत से अहकाम दिए हैं अल्लाह सुबहाना ताली हमें इन अहकाम को समझने माशरे में जहाँ इस्ताल और गलत तरीके से इन एहकाम को इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह वहीं वहाँ पर सही अहकाम पहुँचाने की तोहफ़ी कता फरमाए रब बना ला तुज क्लू बना मादा इसहादी तनाव वहाँ lana min ladun ka rahma innaka antal wahab subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin summa